दो साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना को बीमारी मानने से इनकार किया। कहा कि आसमानी आफत है, इसलिए आई है क्योंकि मोदी सरकार ने 7 साल में शरीयत के साथ बहुत छेड़छाड़ की। कोरोना का इलाज मस्जिदों में नमाज पढ़ना बताया। कहा कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगने से ही कोरोना खत्म हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। ये सारे बयान संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के हैं। सपा सांसद वैक्सीन लगवाने शुक्रवार को जिला अस्पताल पहुंचे। टीकाकरण के बाद उन्होंने जनता से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीन लगवाने के बाद सांसद शफीकुर रहमान बर्क को जब पत्रकारों ने उनके पुराने बयानों के बारे में याद दिलाया तो वो हंसते हुए सवालों को टाल गए। बर्क अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी बयानबाजी की थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और आगे भी रहेगी। जहां एक बार मस्जिद बन जाती है, वो जमीन, वो हिस्सा हमेशा मस्जिद का ही रहता है और मस्जिद का ही रहेगा। उन्होंने इसे इस्लाम का कानून बताया और कहा था कि मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान ये न समझे कि वो किसी के रहमो करम पर जिंदा है, वे ऊपर वाले के रहमो करम पर जिंदा है। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने पर उन्होंने कहा था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने बहुत सब्र के साथ काम लिया। किसी भी बीमारी को बीमारी ना मानना, उस पर से ऐसी बात कह देना जिसे बाद में आप खुद ना पूरा कर पाएं, और हर एक बात पर केंद्र को गलत ठहराना, लगता है अब विपक्ष के नेताओं का यही काम रह गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।